नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चैनल के .com पे। तो बड़ा मज़ेदार दोस्तों टॉपिक लेकर के आया हूं आज का, मज़ा आएगा आपको। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी लोग जानते हैं लेकिन अप्लाई कोई करता नहीं है। हम इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं लेकिन इस चीज़ पर बहुत ही कम लोग जो ध्यान देते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ जो श्योरिटी है हमारे मार्केट के अंदर, उस श्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम जानेंगे कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। डिविडेंड यील्ड का मतलब दोस्तों बड़े एक सिंपल वे में और सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो अगर आप किसी सेविंग अकाउंट में अपने पैसे डालते हैं, आज मान लेते हैं आपने किसी सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डाले, ठीक है, सेविंग अकाउंट में, और आपने सौ रुपया डाला और आप सेव करने के लिए डाल रहे हैं पैसे, ठीक है ना, कि भई ये मेरा पैसा सेव हो जाए, प्लस वहाँ पर आपको एक इंटरेस्ट भी मिलता है साल का 4 या 5%, मान लेते हैं 5% ही इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको 5 रुपया हर साल एनुअली, ठीक है, इसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। इसके ऊपर हर साल आपको 5 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। और आप सेविंग अकाउंट में डाल के खुश रहते हैं कि जी मेरा पैसा सेफ है और मेरा पैसा कहीं जा नहीं रहा है और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेफ रहेगा और ये पैसा मुझे मिलता रहेगा जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट आ रहा है। और अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें, सेम यहाँ सेविंग अकाउंट है, ठीक है ना, और हम किसी स्टॉक को लेते हैं, ठीक है ना, दोनों ऐसे ही है लेकिन यहाँ स्टॉक है वहाँ सेविंग में है। और आपने किसी स्टॉक को 100 रुपये का लिया, ठीक है, या 100 रुपये का आपने स्टॉक लिया जो भी है, या 100 रुपये का लिया या 100 रुपये के लिए एग्जाम्पल के लिए, और उसका अगर डिविडेंड यील्ड आता है 7% या 7 ही लिखा है, ठीक है ना, डिविडेंड यील्ड लिखा है 7 या डिविडेंड यील्ड लिखा है 6 या लिखा है 5 या 3 या 2 1, तो जितना भी दोस्तों यहाँ डिविडेंड यील्ड लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को ख़रीद लेते हैं तो जो ये स्टॉक डिविडेंड दे रहा है वो आपको 7% मिलेगा, यानी 100 रुपये का आपको 7 रुपया हर साल डिविडेंड मिलेगा। यानी जितना परसेंट उस पर लिखा हुआ है और करंट मार्केट प्राइस पर है, ये अगर आप इसको सिंपली ख़रीद लेते हैं तो इतना प्रतिशत आपको डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों शेयर मार्केट में अगर कोई श्योरिटी है या नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि अगर कंपनी काफ़ी सालों से लगातार डिविडेंड देती भी आ रही है, परफॉर्म कर रही है, बढ़ रही है, तो आपका डिविडेंड भी धीरे धीरे वो बढ़ाती रहेगी और ये आपको रेगुलर मिलता ही रहेगा। इस चीज़ की श्योरिटी है, चाहे मार्केट डाउन जाए, चाहे मार्केट अप जाए, मार्केट कहीं भी जाए, ये आपका कहीं नहीं जाएगा, ये आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आज ही मेरे अकाउंट के अंदर NLC का मैंने स्टॉक ख़रीदा हुआ था, 500 स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है NLC इंडिया के, और उन्होंने 4.23 रुपये के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करा है 26 तारीख को पिछले महीने मार्च में, और वो मेरे अकाउंट में आज जा कर के क्रेडिट हुआ है। और ये जो पैसा बना 500 स्टॉक के हिसाब से अप्रोक्स 2000 के आसपास बनता है, 2000 से थोड़ा सा ऊपर बनता है, तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। और 2150 रुपये दोस्तों बना है टोटल डिविडेंड। तो गिरती है मार्केट, गिर रही है, और मेरा जहाँ से मैंने ख़रीदा था वहाँ से भी वो गिरा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि गिरती मार्केट के अंदर भी मुझे पैसा बन रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। गिरती मार्केट के अंदर भी अगर पैसा बन रहा है तो बनाएगा, ये डिविडेंड आपको बनाकर देगा। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप हमेशा डिविडेंड पेइंग स्टॉक ही खरीदिए जो अच्छे डिविडेंड देते हुए आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट, उनकी सेल्स बढ़ रही है और वो आपका डिविडेंड भी बढ़ाते रहेंगे। अगर डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो डिविडेंड यील्ड निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि आपको डिविडेंड देना है, यहाँ पर कितना डिविडेंड आया, ठीक है ना, डिविडेंड, और उसको आप डिवाइड कर दीजिए करंट मार्केट प्राइस से, यानी जो भी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर आप उसको कर देंगे डिवाइड, तो आपको यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो प्रतिशत में निकल कर आ जाएगा कि जी इतना आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। अब अगर हम बात कर लेते कुछ डाटा की कि भाई कौन सी आप जो हमारा मार्केट गिर रहा है या जो भी स्थिति चल रही है उसके अंदर कौन सी कंपनी कितना कितना डिविडेंड दे रही है, कौन सा स्टॉक कितना कितना डिविडेंड चल रहा है इस समय, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है दोस्तों। चलिए, तो सिंपली चेक करने के लिए आप ही चेक कर सकते हैं गूगल पे, आप डालेंगे करंट मार्केट डिविडेंड यील्ड,
ये आप डालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, विकीपीडिया का ऑप्शन है, लेकिन एक सेकंड ऑप्शन है टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, ठीक है ना, बीएससी और ये एनएससी। एनएससी खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एनएससी को खोल लेते हैं और हम यहाँ चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टॉप स्टॉक्स आ गए हैं जो डिविडेंड ज़्यादा देते हैं, वो पहले यहाँ दिखाएगा, बाद में दूसरे दिखाएगा। तो शायद आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ शायद और क्लियर आपको दिखाई दे। ये देखिए सबसे पहले दोस्तों आ रहा है हमारा नोएडा टोल आ रहा है, ठीक है ना। नोएडा टोल का जो दोस्तों स्टॉक की कीमत है वो 12.05 रुपये है, और ये आपको करंट 12.45% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है, यानी आपको ये 1 से 1.5 रुपये का, 1.5 रुपये के आसपास ये आपको डिविडेंड दे रहा है एक स्टॉक पे। अगर आप बैंक में भी रखेंगे तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा, 12% कौन दे रहा है, बैंक वाला कोई नहीं दे रहा, फिक्स डिपॉजिट वाला भी नहीं दे रहा, आपका पोस्ट ऑफिस भी नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा 12%। लेकिन ये तो आपको डिविडेंड दे रहा है, प्लस स्टॉक का प्राइस बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं है, ये पैसा की श्योरिटी है, ये 12% आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा करंट येल्ड आ रहा है, ये जो 12 दिखा रहा है ये येल्ड आ रहा है, यानी इतना प्रतिशत, ठीक है। और देख लेते हैं, ये देख लीजिए IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ये 176 का स्टॉक है, और ये आपको 10% या 11% ही मान लीजिए, 0.76 है, इतना तो आपको डिविडेंड ही दे रहा है, कोई बैंक देगा नहीं देगा, गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, ये तो देती ही रहेगी डिविडेंड, ये कहाँ जा रही है। दूसरा हिंदुस्तान जिंक देख लेते हैं, ये भी आपको लगभग 10% दे रहा है, 9.78। गीतांजलि जैन की तो चलो लुटिया डूबी हुई है, तो इसको नहीं देखे तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा कंपनी का हल्का फुल्का फंडामेंटल देखना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम डाउन होती हुई कंपनी को ले लें। और ये लिल देख लीजिए, लिल ने भी 9% का डिविडेंड दिया, NLC इंडिया 8.76, इसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, यही स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, और ये मेरे अकाउंट में आज क्रेडिट हुआ है इनका डिविडेंड, और इन्होंने अनाउंस करा था 26 मार्च को 2018 को, और क्रेडिट हुआ है आज, तो 4.23 के हिसाब से 2150 रुपये 500 स्टॉक मेरे पास थे, तो उसके हिसाब से ये पैसा मेरे पास आया। HPCL देख लेते हैं, HPCL भी 8.70 दे रहा है, SJVN ये भी दे रहा है 8.31 का, इंडियन कार्ड 8.27, और ये देखिए BPCL, PNB गिल्स, कॉल इंडिया अच्छा डिविडेंड देता है, वेदांता अच्छा डिविडेंड दे रहा है, NHPC का स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है लेकिन अभी इसका डिविडेंड मेरे पास आया नहीं, PTC इंडिया डिविडेंड देता है, और पावर फाइनेंस डिविडेंड दे रहा है। तो ये देखिए बैंक आपको 4% दे रहा है, यहाँ आपको डिविडेंड देखिए कितना मिल रहा है, प्लस जो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, भाई ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा डाउन होगी, जब मार्केट बढ़नी शुरू होगी, जब प्राइस बढ़ेगा, तो वो हो गया सोने पर सुहागा, वो आपकी ज़मीन के ऊपर समझिए कि आपने मकान जो बनाया हुआ है उसका आपको किराया भी मिल रहा है, और साथ में आपको जो आपकी जो ज़मीन है उसका रेट भी बढ़ रहा है, तो बिल्कुल इस तरीके से एक पैसिव इनकम क्रिएट होती है डिविडेंड से, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, किसी भी मार्केट कंडीशन में कुछ भी हो जाए, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी अच्छा कर रही है, तो ये आपका कहीं नहीं जाएगा, ये डिविडेंड आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। स्टॉक के प्राइस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। तो ये दोस्तों एक सेफ तरीका है, गिरती मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड वाला स्टॉक लेना, जो अच्छी कंपनी है, काफ़ी सालों से लगातार डिविडेंड देती भी आ रही है, तो ये आपको दोस्तों निकाल कर लेकर जाएगा, और ये आपको अच्छा प्रॉफिट भी देके जाएगा, प्लस जिस दिन डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो उस दिन आप देखिएगा कि एक हैप्पीनेस मिलती है ज़रूर आपको, क्योंकि गिरती मार्केट में अगर आपको डिविडेंड मिले तो आपको एक तसल्ली है कि भाई गिरती मार्केट भी कुछ ना कुछ दे करके जा रही है, तो वो हैप्पीनेस को आप फ़ायदा उठाएं उसका, और बिल्कुल भी घबराए नहीं, अच्छा डिविडेंड वाला स्टॉक ले, अच्छी कंपनी का स्टॉक परचेज करें और डिविडेंड का भरपूर फ़ायदा उठाए। दूसरा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आई थिंक मेरा 100% कोशिश है कि कल मैं आपको DCF मॉडल जो है वो मैं आपको बताऊँगा, प्लस कैलकुलेटर के साथ आप एक वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, एक फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस क्या हो सकता है, और किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे, सारी कन्फ्यूज़न क्लियर करके
एक एक पॉइंट क्लियर करके आपको वो कैलकुलेटर कैसे चलाना है, कैसे उसमें फीड करना है, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।